हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है टीके, आप देख रहे हो मेरा चैनल एमटी टुकटुकी। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ ब्रदर पेंडर की डिसिबिटी 310 मॉडल, जो हम प्रिंट या जेरस करते हैं उसके हम 30 से 20% इंक सेविंग कैसे करने वाले हैं, उसके तरीके आज इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो को फर्स्ट से एंड तक जरूर देखते रहिए फ्रेंड्स। और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन है तो उसके भी प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, हम प्रिंट या जेरस तो करते रहते हैं क्योंकि यार कोई भी ऐसे यूट्यूब में इंक सेविंग करने का तरीका कोई आपको नहीं बताया है। तो देखिए फ्रेंड, इंक सेविंग कैसे करेंगे आज इस वीडियो में आपको एक सेटिंग बताएंगे, और प्रैक्टिकली कुछ प्रोसेस करेंगे। आप वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आप देख सकते हो ब्रदर डीसीबी 310 है, ठीक है। आपको सबसे पहले एक सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग कौन सा है आपको दिखाएंगे। तो सेटिंग आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेनू में जाना होगा। मेनू में जाने के बाद आपको मेंटेनेंस, उसके बाद जनरल सेटअप आ गया है, उसके बाद आप जाना है कॉपी। कॉपी में क्लिक करके आपको ओके पर प्रेस कर देना है। आपको डेंसिटी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके बाद ओके दबा देना है। जो आपको देख सकते हो एक ब्लैक में डार्क कलर मिडिल में है, ये है नॉर्मल या नॉर्मल है, ज़्यादा कम नहीं है ज़्यादा। क्या होता है, डेंसिटी पूरा एक गड़ा जैसा ही प्रिंट होकर निकलता है। तो हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे अगर रख देंगे आपको प्रिंट जो क्वालिटी है, ठीक है, वो थोड़ा हल्का हल्का होकर आएगा, मगर अच्छा दिखेगा। जो बैकग्राउंड कलर भी ज़्यादा कैप्चर नहीं करेगा प्रिंट करते टाइम, ठीक है। आपको प्रिंट करके भी आपको दिखाने वाला है, यही आपको एक सेटिंग, ठीक है। ऐसे करके आप प्रिंट भी कर सकते हो, उसके बहुत आपकी इंक सेविंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसे बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, और मिडिल में रख भी सकते हो, आपका मन कर सकते हो सेटिंग, ठीक है। ये तो है एक तरीका, ठीक है। उसके बाद ओके दबा के एक्सेप्ट हो गया, ये परमानेंटली सेटिंग हो गया, ठीक है। आपको फिर से ऐसे करके आप सेटिंग का भी चेंज भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड, देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने का देखिए जो तरीका है, ये जो हमारा जो स्कैनर है, ठीक है, इसको हम क्या करना है, देखिए यहाँ पर बहुत सारा धूल मिट्टी ऐसे कुछ कुछ लगे रहता है, ठीक है। तो क्या करता है, ये भी जो धूल मिट्टी है वो भी जो प्रिंट या जरस स्कैनिंग हो जाता है, ठीक है। उसे भी हम प्रिंट क्या होता है, उसे भी मिट्टी यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। इसको भी क्या करना है, आपको जो ऐसे आपको मोबाइल क्लीनर आपको मिल जाएगा, ठीक है, मार्केट में, नहीं तो आपको पेट्रोल से भी आपको थोड़ा थोड़ा ये करके आपको क्लीन कर लेना है, ठीक है। इसको भी क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको मैं थोड़ा क्लीन करके आपको दिखाएंगे, थोड़ा इसको मैं करके हम क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसको भी हम क्लीन करने थोड़ा हो गया। आप पेट्रोल से भी आप क्लीन कर सकते हो, तो मैं क्लीन करके फिर से बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखा, पूरा मेरा अभी स्क्रब पर क्लियर हो गया, ठीक है, मगर ए वाला मुझे अभी तक, तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो स्क्रीनर पूरा जो मिरर है पूरा क्लियर हो गया है, मगर ये जो ए वाला है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको क्लियर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको देख सकते हैं एक बार प्रिंट करके आप दिखा देते हैं। इसमें कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है, तब भी कैसा प्रिंट में आता है आप। आप देख सकते हो ऐसे ऐसे डार्क डार्क कलर नज़र आता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको ऐसे इस पर्टिकुलर में, अगर इस जो पर्दा में आपको ऐसा कोई भी स्प्रे से जो क्या बोलते हैं पेट्रोल से या कोई थिनर से अगर नहीं क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। आपको एक टेप लेना है, ब्लैक टेप, ठीक है। ब्लैक टेप लेने के बाद आपको यहाँ पर चिपका देना है। मैं सेटिंग करके रख रहा हूँ। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे ब्लैक टेप लगा दिया हूँ। लगाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मिडिल में चिपका दूँगा, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा चिपक गया है, ठीक है। अभी हम प्रिंट भी कर सकते हैं, ऐसे होगा। आप इस कॉर्नर में भी लगा देना, इस कॉर्नर में भी लगा देना, ठीक है। अब प्रिंट करेंगे तो आपको 30 या 20% आपको इंक सेविंग होने वाला है, आप इस्तेमाल कर भी देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा है प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना, और साइड में बेल आइकन है तो उसको भी दबा देना, ठीक है।